गाइस वेलकम बैक अगेन। और अब हो गई है नाइट और हम रेडी हैं तो व्लॉग के लिए अपने। और भाई थोड़ी देर में जाने वाले हैं यहाँ से। ये था होटल, वह होटल का तुम नाम पढ़ लो और मैं बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। और यार ये फर्स्ट व्लॉग है तो भाई उससे पहले गेमिंग देखते थे तो कर दो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग, यार अभी जा रहे हैं। और फिलहाल मैं भी GoPro से शूट नहीं कर रहा बिकॉज बहुत नाइट तक करना है यार, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी चल नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया इसकी बैटरी में, इसकी बैटरी ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पा रही। 2 घंटे चली और फिर डाउन हो गई। 3 बैटरी लाया था, 2 बैटरी अभी चार्जिंग में भी लगा रखी हैं, 1 बैटरी के साथ फिर आ गया। तो ये फ़िलहाल फ़ोन से कर लेते हैं और बाद में जब नाइट में करेंगे हम तो नाइट में करेंगे ही। तो अभी तुम यार भी यहाँ पे रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं रोड पे चल रहा हूँ। मे भी हमें 3 बजे तक तो बाहर रहना ही पड़ेगा। 3 बजे तक देखेंगे बाहर नाइट लाइफ क्या है आगे। सो देख कर भी ये थोड़ा यहाँ पे ये व्यू है यहाँ का। और भाई मैं सही बताऊँ ना तो मुझसे होटल वाले ने बहुत पैसे ले लिए, ठीक है। मुझसे लिए हैं होटल वाले ने 2000 रुपीज़ इन नेपाली करेंसी। सो देखते हैं भाई क्या होगा। ये अभी रात के 9:30 बज गए, 9:30 से ऊपर हो गया टाइम। में 9:30 बजे निकला था तो 9:30 बजे हो गए, ठीक है। और अभी ये सब ये तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, आगे साथ टोटल वर्ड चाइनीज़ में है। या वेडनेसडे सब होटल्स, मतलब एक ऐसा लग रहा है जापानी लोगों की तरह घर जा रहा हूँ उससे मिलने। देख रहे हो ये पूरा साइड लोकेशन अच्छी है। और भाई घूम रहे हैं अभी, देखते हैं क्या है आगे। अभी शटर्स ऑफ हो गए हैं शॉप के, काफ़ी दुकान बंद हो गई हैं। एक तो कैफ़े खुल रहे हैं ये और एक ये होटल्स है, ये भी मोस्टली दुकान है। अच्छा ऊपर है होटल। भाई जैसा कि देख रहे हो कैसा सन्नाटा हो रहा है एकदम हल्का हल्का। हो जाएगा 2 बजे तक तो भाई बिल्कुल हो जाता है। देखना है मुझे कि भाई नाइट लाइफ जो फेज है इस नाइट लाइफ को देखना है। तो फिलहाल चल रहे हैं उसके लिए। अब ये लगभग सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं और कैमरा भी मैं, मुझे उधर भी जाना है थोड़ा आउटसाइड, ठीक है। वहाँ भी वीडियो शूट करनी पड़ेगी नाइट की, तो भाई बचा के रख रहा हूँ। और एक्चुअली हम हमें भी आ चुके हैं, ठीक है। ये देख लो शॉप सारी बंद है टोटल, मतलब सब यहाँ पे क्राउड्स है। और अभी हम आ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो चलो हम भी चलते हैं। मतलब 11-12 बजे हैं, 11-12 बजे भूल के भी ना। तो भाई लोग सुन लो, ठीक है। वैसे तो यार मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है, बट सुन लो एक तरीके से तुम कि भाई 11-12 बजे ऐसे कुछ बता रहे हैं, बट आई डोंट नो। अभी हम इन भैया से पूछ लेंगे, क्लेरिफाई कर देंगे, ठीक है। उसकी अभी रुक जाओ भैया, यहाँ पे जिस रोड, मतलब ये रोड जो है यहाँ पे 11-12 बजे के बाद फोन या सी चीज़ें छिन जाती हैं क्या? बोला मैं कह रहा हूँ ये जो रोड जैसे जा रही है 11-12 बजे के बाद यहाँ चीज़ें छिन जाती हैं क्या? मतलब फोन वोन छीन के कोई भाग जाता है? अच्छा ऐसा होता है यहाँ? ये क्या मूवी देख रहा है? नहीं ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब व्लॉग बनाता हूँ ना मैं, तो यूट्यूब पे मतलब बताने के लिए अगर कोई आना चाहे, मतलब आ रहा है तो उसे बताने के लिए कि भाई सतर्क रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ ना आपसे। एक भैया ने मुझे बताया भी यहाँ के इधर चीजें छिन जाती हैं, तो कभी छिनता है कभी, अब वैसे आदमी देखेगा तो छिनता भी है। अच्छा ये कैमरा बाबू, तो भाई ये तमिल के, ये तमिल ही थे, मुस्लिम है कि बुद्धिस्ट है कि हिंदू? हिंदू। अर्जुन नाम है मेरा, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह जी। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली। मुस्लिम बोल रहे हैं फिर क्या? मुस्लिम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि क्या कहते हैं, इस रोड पर जाओगे ना तो चीज़ें छिन जाती हैं अगर रात के 11-12 बजे जाओ। मैं ये कह रहा था आपसे, तो वीडियो में रिकॉर्ड है, ऐसा कोई रिलीजन का तो मैंने नाम ही लिया। ये चीज़ नहीं यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं।
वो मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई ऐसी चीज़ें हैं या लोग बाग ऐसे ही कह रहे हैं कि डराने के लिए है ना, ये चीज़ें पूछ रहा था। तो मतलब होता है ऐसा तो रात में तो होता है ना, रात में तो अब कुत्ता तो शेर होता है बोले तो। हाँ मतलब वही है चीज़ें दिख जाए तो भाई छीन लेंगे। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, अभी 9:45 हो रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसका समय का बहुत नहीं, और वैसे आदमी आएगा पीते वैसे पीने वाला या वैसे वैसे वाला आदमी आएगा ना, वो समय का तो नहीं होता है। अरे अब कोनो आदमी नहीं है तो अभी तो रास्ता में कोनो आदमी नहीं है ना, इसीलिए कौन से अब ये मौका छोप कर उन्होंने करता है क्या। हाँ वो बात तो सही है, ये भी सही है। आज जब रोड पे कोई हो ना तो करेगा ही फिर, वही तो। हाँ तो नहीं है अब ये करता है। चलो धन्यवाद भैया बताने के लिए। तो भाई जैसा कि भैया ने कहा ऐसा हो जाता है, तो भाई अवेयर रहो इस चीज़ से, ठीक है, और दूर ही रहो। अभी तो देखते हैं हम, चलो 9:40 हो रहे हैं, अभी जा रहे हैं भाई, व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या कर सकते हैं है ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो चैनल को। तो गाइस हम चल रहे हैं भाई इधर के दूसरी रोड पे आ गए वैसे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे जाना था लॉर्ड की तरफ, जहाँ लॉर्ड वो है सॉरी क्लब LORD। तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं फिलहाल, और अभी हम जा देखते हैं कि होता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कहते हो। और भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो चैनल को, नए हो तो और पुराने हो तो वीडियो देखते रहो तुम। और यार वैसे तो ठीक है, मतलब अभी नाइट में पता लगेगा कैसी लाइफ है, वैसे तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ठीक है, क्राउड भी ज़्यादा नहीं इतना, फिर भीड़ ही भीड़ लग रही है। हाँ टूरिस्ट बहुत है, बट ये बात है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे, सो वी आर इन गाइस हियर। तो यार अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं से मतलब फ़ोन से शूट करूँगा फ़िलहाल, और अभी आगे देखेंगे कहाँ तक जाएंगे। वैसे तो यहाँ से हम आए थे, इस रोड से हम आए हैं, और आगे हम देखते हैं, शूट करते हैं, कैमरे से भी करेंगे, यार क्या दिक्कत है, जब ले रहे हैं तो करेंगे क्यों इससे भाई। ये गली सुनसान देख लो कितनी है रोड एकदम ना, पर ये सुबह इस हम जा रहे हैं अभी भी आगे। और भाई मैं सही बताऊँ से अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं कि मतलब हर सोलो ट्रिप ना, वही सोलो ट्रिप वाली बात है ना, वह सोलो ट्रिप नहीं करनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइस ठीक है, एक्सपेंडेबल है और क्या कह सकते हैं। अभी स्मोकिंग यहाँ भी आ सकते हो गाइस, तो तुम्हारी इच्छा है, जैसा जिसको सही लगे वो वहाँ आ सकता है। ये स्पा है, वहाँ पे आप मसाज करा सकते हैं आगे। और मैं फिलहाल इतना ही है यार अभी तक तो, अभी यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, अभी ठीक है वेदर, ऐसी बात नहीं है, बट अभी पोखरा देखते हैं, पोखरा में क्या सीन रहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता ही दूँगा सारी चीज़ें, बजट अकोमोडेशन जो भी तुम्हारा पर्पज रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और क्वालिटी भाई बता देना कैमरे की, मतलब कैमरे कंपैरिजन में भी डल तो है, बट हाँ इतनी भी नहीं होगी, ठीक है, डिसेंट है, आई नो दैट, बट यार कैमरा तुम्हें पता है ख़राब हो गया, अदरवाइज़ मैं व्लॉग कैमरे से ही शूट कर रहा था,
आधा व्लॉग कैमरे से हुआ, आधा व्लॉग मोबाइल से हो रहा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई उसमें, थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस आ गया होगा, और तुम थोड़ा मैनेज कर लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी जा रहे हैं यहाँ पर, एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट जो भी है ठीक है। सो मच पार्किंग एरिया। चलो अभी कैमरे से शूट करेंगे थोड़ी देर में, आगे फिलहाल तो मोबाइल से हो गया खत्म। ये हम यहाँ आ चुके हैं, आप यहाँ से रुक जा रहा है, आगे से जा रहा है, तो किधर जाना है फिलहाल, और जैसा भी होगा और आप कमेंट करके लाइक करके शेयर जो भी करना कर देना। आगे हम जा रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट हम जरूर कहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ पे ये होटल SS नेपाल, तो यहाँ है। चलो यार इसे बियर तो हो जाए, बियर तो ज़रूरी है यार, तो बैग ट्यूबअप निकाल देना। ट्यूबअप? हाँ अच्छा, नहीं निकालनी पड़ेगी क्या? ओके यार गाइस, तो एक ट्यूब आप, ये है कौन सी, ये यहाँ की है क्या? गोरखा, ये गोरखा यहाँ की बियर है। अच्छा नेपाल की बियर है भाई, और यहाँ कार्लसबर्ग भी लग रही है अपनी, और ये सब मैक्सोनिक लग रही है भाई, सारी लग रही है अपनी ये नॉर्मल, तो बडवाइजर है आप देते हो? बडवाइजर चाहिए, बडवाइजर कितने? एक। तो भाई एक हमने दे दी, सब पेमेंट कर देते हैं और फिर चलते हैं ब्लॉग की तरफ, देखेंगे कुछ ना कुछ हो जाता, चलो हो जाएगा थोड़ा बहुत। भैया कितने किया? शॉप है लो प्राइस शॉप, आप आ सकते हो भाई, यहाँ से बियर ले सकते हो। मैंने तो ले ली 240।